नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने फिर दिया लोकल से वोकल पर जोर, बोले आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे। दिल्ली के सभी मंत्री लोगों को प्लाज्मा दान देने के लिए कर रहे प्रोत्साहित। सोशल मीडिया यूजर्स और टिकटॉकर्स ने चीनी ऐप पर बैन के फैसले का स्वागत किया। मोदी ने कोरोना वैक्सीन योजना की समीक्षा के लिए बैठक की। बिहार में नदिया उफान पर एनडीआरएफ और आपदा बल लोगों को जागरूक करने में जुटे। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान में घर घर सर्वे बुधवार से। आईआईटी मद्रास में देश का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम। बीएसएफ के 1000 से अधिक जवान कोरोना संक्रमित, 4 लोगों की मौत। स्टर्लिंग बायोटेक ईडी ने अहमद पटेल से फिर से पूछताछ की। विशाखापट्टनम में फार्मा कंपनी में गैस रिसाव, 2 लोगों की मौत। 2 जुलाई को होगा यूपी विश्वविद्यालयों में परीक्षा का फैसला। कश्मीर मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत, तत्काल टिकट की बुकिंग बहाल। भारत का अप्रैल मई का राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य का 58.6%। भारतीय ऐप चिंगारी के यूजर्स तेजी से बढ़े, 30 लाख लोगों ने किया डाउनलोड। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर, कच्चा तेल भी नरम।